हाय, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका YouTube चैनल हैक हो जाता है तो आपको क्या करना है और हैक होने से आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कॉस्टी वैन, वेलकम टू माय चैनल टेक विद कॉस्टी। गूगल एडवर्ड के ऊपर प्लेलिस्ट बन चुकी है और हर दिन मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करता रहता हूँ। आप आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसमें मैंने सारी डिटेल्स कवर की है। तो चलिए वापस आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे कि आपने रिसेंटली देखा कि गौरव जोन का चैनल हैक हो गया था और उसके बाद उनका चैनल वापस भी आ गया। इसी तरह कैरी मिनाटी के साथ हुआ। मैं गौरव जोन, कैरी मिनाटी इनका नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। इनके साथ जब कुछ होता है तो सब लोगों को पता चल जाता है। बट आपके मेरे जैसे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हर दिन होती है और यह प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है कि आपका चैनल आपकी खुद की गलती की वजह से हैक हो जाए। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, आज मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके थ्रू से आप अपने चैनल को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं और लास्टली अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है तो उसका उपाय क्या है इधर उधर ना दौड़ते हुए। तो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट, आपको गूगल के टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। ये ऑन कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। आप यूट्यूब के सेटिंग्स में जाके वहीं पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन जहाँ पर लिखा होगा प्रोटेक्ट योर अकाउंट। आप जैसे ही टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देंगे, कभी भी अगर आपके YouTube चैनल में कोई लॉगिन करने जाएगा तो आपके फ़ोन पे एक SMS आएगा, इससे एक प्रोटेक्शन बनी रहती है। पॉइंट टू, आप जब भी अपने चैनल का पासवर्ड रखें, याद से पासवर्ड ऐसा रखें जो थोड़ा सा यूनिक हो। ऐसा नहीं कि पापा का नाम रख दिया, माँ का नाम रख दिया, अपने खुद का डेट ऑफ बर्थ रख दिया, ये गलती मत कीजिएगा। थोड़ा सा यूनिक रखिए जिस पासवर्ड का आपके साथ कोई रिलेशन ना हो। हैकर्स को इस तरह के पासवर्ड क्रैक करने में बहुत आसानी हो जाती है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, abcd@gmail.com। मान लीजिए आपके YouTube का ये लॉगिन के लिए ईमेल आईडी है। इसी ईमेल आईडी को आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज मत कीजिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा आपके अकाउंट का जो ईमेल आईडी है और आपका बिजनेस ईमेल आईडी, इन दोनों को अलग रखिएगा, इससे और एक लेवल की प्रोटेक्शन बनी रहती है। आज के डिजिटल टाइम में अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए अपना पासवर्ड अपने पास ही रखें। ऐसा नहीं कि अपने दोस्त यार में आपने अपना लॉगिन और पासवर्ड सबको बता के रखा है, इससे भी आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ सकते हैं। फॉलोड बाय लास्ट पॉइंट पे आता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इसी रीज़न की वजह से आपके चैनल हैक हो रहे हैं। आप अगर YouTube में एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर काम करते हैं तो आपके पास इस तरह के ईमेल आते ही रहते होंगे, इंक्लूडिंग Instagram में भी काफ़ी DM आते हैं। तो इस केस में आपको बहुत संभल के रहना है, आपको ईमेल सही से पढ़ना है, आपको ईमेल में पढ़ते हुए मेल आईडी को चेक करते हुए पता लगाना है कि ये ईमेल कहीं फेक किसी जगह से तो नहीं आया है। जो लिंक पे आपको क्लिक करने को बोल रहा है, क्या वो लिंक सही है? अगर मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूँ उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आज के टाइम पे हम सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन पे करीबन 2-3 ईमेल आईडी आपके पास होते ही हैं और वो ईमेल आईडी आपके यूट्यूब के साथ भी कनेक्टेड है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मेल आता है और उसमें वो मेल के लिंक पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो वो सारा आपका फ़ोन के जितने भी आपके फ़ोन की ईमेल आईडी है, इंक्लूडिंग आपके बैंक के अगर पासवर्ड रखे हुए हैं या फिर पेटीएम का लॉगिन हो, जीपे का लॉगिन हो, किसी भी तरह से वो हैकर आपके फ़ोन पे घुस के ये सब डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है। तो कभी भी अगर आपका चैनल हैक हो जाए तो इधर उधर ना दौड़ते हुए या किसी क्रिएटर के पीछे ना भागते हुए, ये काम आप अपने आप ही कर सकते हैं। हैक्ड अकाउंट को रिकवर करने के दो रास्ते हैं। पहला, आप support.google.com में जाके आप यहां से फिक्स प्रॉब्लम में जाके आप सपोर्ट ले सकते हैं। नीचे आपको चैट का भी ऑप्शन मिलता है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे बेसिक अपने डिटेल्स भरने हैं और भरने के बाद आप सीधे चैट सपोर्ट में जा सकते हैं। फॉलोड बाय, आप अगर चाहें तो आप ट्विटर के भी मदद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे काफ़ी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ट्वीट करके भी ये सपोर्ट लिया है यूट्यूब की तरफ से। और हाँ, इस चैनल में एक वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कि 1,00,000 व्यूज़ में आप कितने सब्सक्राइबर पा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर जाके उस वीडियो को देखें। मुझे बनाते हुए भी बहुत मज़ा आया है, आई एम श्योर आपको देखते हुए भी बहुत मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। मेरा नाम है कॉस्टी, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं @iamcosty। मैं इसी चैनल पे लाइव भी आता हूँ एवरी फ्राइडे, आप मेरे साथ लाइव जुड़ के भी बातें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी, बाय।